My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they know. Hi friends, मैं गौरव। US world की सबसे best country है और हर student का dream होता है कि मैं US में अपनी further education लूँ। अभी कुछ दिन पहले एक student ने मुझसे पूछा कि US का student visa लेना आसान है या मुश्किल है, और हम ऐसा क्या करें कि US का स्टूडेंट वीजा हमारा इजीली आ जाए। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन लगा और मुझे लगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं ताकि उन स्टूडेंट्स को जो है हेल्प मिल पाए जो US में स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर आपके भी मन में ये क्वेश्चन है कि US का स्टडी वीजा लेना मुश्किल है या फिर आसान है, तो मैं आपको बता देता हूँ, US का स्टडी वीजा लेना बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही इजी है। अगर हम बात करें अदर कंट्रीज की, लाइक कनाडा है या फिर ऑस्ट्रेलिया है, इनके अपने एक सेट पैरामीटर्स हैं। कनाडा को ITS में 6 बैंड ईच मॉड्यूल में चाहिए, और पर्टिकुलर एजुकेशनल भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, गैप वगैरह को लेकर भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी उनके एक सेट पैरामीटर्स हैं, उनको बिल्कुल रिसेंट पास आउट स्टूडेंट चाहिए होते हैं, और आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास प्रीवियस जो आपने स्टडी की है उसमें पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और उनमें भी जो है मार्क्स वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही टफ होता है, बट US में ऐसा नहीं है। US ह्यूमन राइट्स वाली कंट्री है, यहाँ पर एजुकेशन की कोई भी एज नहीं। आपकी स्टडी में कितना ही गैप क्यों ना हो, आप 5 साल का गैप हो या उससे ज्यादा का भी आपका गैप हो, तो आप एलिजिबल है। US में आप अप्लाई कर सकते हैं, टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको वो एडमिशन देती हैं, और US गवर्नमेंट आपको मौका देती है अपनी कंट्री में आकर के स्टडी करने का। तो US का जो वीजा लेना है वो बहुत ही इजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वीजा लेना कैसे है और आपको किन किन बातों का जो ध्यान रखना है जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तभी से, और उसके बाद अब ऐसा क्या करें जो वीजा है वो आपको आसानी से मिल जाए। तो ये समझने से पहले आपको जो है US का स्टडी वीजा का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो मैं शॉर्ट में आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एडमिशन लेना होता है US में, और आपको I-20 मिलती है वहां पे, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। देन उसके बाद जो है आपको अपनी सर्विस फीस पे करनी होती है, देन एम्बेसी फीस, और अपॉइंटमेंट लेनी होती है वीजा इंटरव्यू के लिए, देन US एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होता है और आपका वीजा आ जाता है। तो ये 3 स्टेप का आपका प्रोसेस होता है US का, और इसके ऊपर ब्रीफ में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, और मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो जिन लोगों को प्रोसेस नहीं मालूम है तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं कि क्या जो है ओवरऑल प्रोसेस रहता है। अब जो वीजा का सीक्रेट है वो इसी प्रोसेस में छिपा होता है। स्टूडेंट वीजा का मुझे 10 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनका वीजा जो रिजेक्ट हुआ है उनके गलत प्रोसेस करने की वजह से। तो अब वीजा लेने के लिए आपको करना क्या है, मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, US में 4000 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं। इसका मतलब है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जब आप एडमिशन लें तो आपको बिल्कुल पेशेंटली जो है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, पर्टिकुलर एक स्टेट, एक लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है जहां पे आप कंफर्टेबली रह सके और आपको बेस्ट एजुकेशन जो है मिल सके। हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो है स्टूडेंट्स को पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलवाते हैं। आप भी कोशिश करें, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं या एजेंट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें आप बोलिए कि आपको वो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो है एडमिशन दिलवाए, वहां पे जो पब्लिक जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं उसमें आपका एडमिशन करवाए। अगर आप प्राइवेट में भी एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी रैंकिंग अच्छी हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है वो रेलेवेंट हो आपकी प्रीवियस एजुकेशन से, आपका इंटरेस्ट एरिया हो, आप जो स्टडी करना चाहते हैं एक्चुअल में जो आप करना चाहते हैं, तो उससे रेलेवेंट आपका कोर्स होना चाहिए। और कम से कम आप 3 से 4 यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करें ताकि आपके एडमिशन में भी कोई रिस्क ना हो, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज का या फिर अच्छे रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज का जो एक्सेप्टेंस रेट है वो कम होता है समटाइम डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, या फिर मेरिट लिस्ट वगैरह में नेम ना आने की वजह से आपके एडमिशन रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो सेफ साइड रह के चले, 3 से 4 आप एडमिट लें, 3 से 4 जगह आप एडमिशन अप्लाई करें ताकि जो आपका
एडमिशन है वो सिक्योर रहे और आपको एक या दो जगह जो है एडमिशन मिल जाए। तो सेकंड जो स्टेप है वो है जब आपका एडमिशन हो जाता है आपको यूएस इंस्टीट्यूशन जो है I-20 प्रोवाइड कर देती है, तो उसके बाद आपको सर्विस फीस पे करनी होती है। अब उसमें आप कभी डिले ना करें। समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है मेरी अपॉइंटमेंट, पहले मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ फिर उसके बाद मैं सर्विस फीस वगैरह पे कर दूंगा। आप इन सब चीजों में डिले ना करें। जो भी आपको एक कॉलेज से एडमिशन मिला है, दो से मिला है, तो जो भी आपने दोनों में से एक सेलेक्ट किया है जिसमें जो आपको सूट कर रहा है कि ठीक है मुझे इसमें आगे फर्दर प्रोसीड करना है, तो उसकी आप फटाफट सर्विस फीस पे करें, एम्बेसी फीस पे करें और फटाफट आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। और इसके पीछे एक चीज, एक रीजन ये भी है, प्रीवियस इंटेक्स में जो है अपॉइंटमेंट्स जो थी वो बहुत ही लिमिटेड थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो डेफर कराना पड़ा आगे इनटेक में। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी ना हो तो आप जो है अपनी एम्बेसी फीस वगैरह पे करके अपॉइंटमेंट जो है आपकी वीजा इंटरव्यू के लिए वो आप शेड्यूल कर लें। देन थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं जो है आपका वीजा इंटरव्यू। अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल पॉइंट है जब आपका वीजा इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में जाने से पहले आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। यूएस स्टूडेंट वीजा के जो क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन वीजा ऑफिसर स्टूडेंट से पूछता है, ये आप इंटरनेट का यूज करें। आपको गूगल पे, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट पे ब्लॉग्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पे स्टूडेंट्स ने, वीजा एक्सपर्ट्स ने जो एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर किए हुए हैं और क्वेश्चन आंसर बता रखे हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं वहां पे स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन करें, एक पेन ले, पेपर ले, उसके ऊपर आप नोट डाउन करें, उनके जो है क्वालिटी आंसर्स आप रेडी करें और जो भी प्रेपरेशन आपने करनी है वो आप बोल के करें, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा और आपको मेमोराइज भी अच्छे से होगा। देन उसके बाद जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो जो इंटरव्यू की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है कॉन्फिडेंस लेवल। अब यूएस वीजा ऑफिसर जो होते हैं वो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल देखकर ही उनको वीजा देते हैं, अदरवाइज उनके पास कोई ऐसी मशीन नहीं है वो ये देख पाए कि ये स्टूडेंट की इंटेंशन जेन्युइन है या फिर जेन्युइन नहीं है। अब स्टूडेंट जो होते हैं वो वीजा रिजेक्शन को लेकर के या फिर वीजा बस मुझे मिल जाए इस चीज को लेकर के वो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और जो फियर ऑफ रिजेक्शन है उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल लो कर लेते हैं। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें, आपको कॉन्फिडेंट दिखना है और तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर वन, प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट। जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वीजा ऑफिसर आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, आपकी तरफ वो देख रहा है नहीं देख रहा है, बट आपने उसकी तरफ देखना है, प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट आपने रखना है जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जिससे वो फील करेगा कि ये जो स्टूडेंट है ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, जो ये आंसर दे रहा है ये बिल्कुल सही दे रहा है। देन उसके बाद जो है पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई भी नेगेटिविटी ना हो आपकी बॉडी लैंग्वेज में। देन तीसरा है सेटिस्फैक्टरी आंसर्स आपके होने चाहिए। अब देखिए सेटिस्फैक्टरी आंसर्स का मतलब ये है कि जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका जो आंसर है वो सेटिस्फैक्टरी हो, मतलब वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करे वो आंसर जो आप दे रहे हैं, उसे जो वो पूछना चाहता है एग्जैक्टली आप वो आंसर दे रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, बहुत सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो स्टूडेंट है वो इंटरव्यू से पहले नर्वस होते हैं। अब नर्वस होना ये एक नॉर्मल सा साइन है, जब इंटरव्यू पे स्टूडेंट जा रहा है, अब देखिए स्टूडेंट है वो इंटरव्यू पे जा रहा है, थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, ये वीजा ऑफिसर को भी पता होता है, तो इसको ओवरकम आपको करना होता है। ये ओवरकम कैसे होगी, जब आपने तैयारी अच्छे से कर है, वीजा ऑफिसर जब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, दो पूछेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत नर्वस फील भी कर रहे हैं, आप एक दो क्वेश्चन का जब आंसर देंगे और आंसर आपको लगेगा कि ये सेटिस्फैक्टरी मैंने आंसर दिया है और आपको वीजा ऑफिसर के फेस से पता लग जाएगा कि ये मुझसे सेटिस्फाई है, तो आपका ऑटोमेटिकली जो नर्वसनेस है वो दूर हो जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि इंटरव्यू के टाइम पे जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बस फिर जो वीजा ऑफिसर है आपको आपका वीजा 100% दे करके भेजेगा। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो लोग यूएस का स्टडी वीजा लेना चाहते हैं तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें और अपने प्रोसेस को जो है वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो है आप अपने प्रोसेस को इंपॉर्टेंस दें और डे वन से आप अपने माइंडसेट बना के रखें कि जो आपको वीजा है वो लेकर के ही आना है। सो अगर आपके कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चंस आपके यूएस स्टडी वीजा से रिलेटेड, आप दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं या कमेंट्स में आप हमें पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।